हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज है शरद पूर्णिमा, तो मैं नहा धो ली हूँ पूजा करने के लिए। तो मगर टाइम से हो जाएगी तो ठीक है, सुबह सुबह, क्योंकि फिर नित्या भी थोड़ा परेशान करती है। वैसे संडे है लेकिन पूजा पाठ का काम टाइम से हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो मेरे जो हस्बैंड हैं, इनको कहीं बाहर जाना है थोड़ा काम से, तो पहले मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, क्योंकि पूजा जल्दबाजी में नहीं हो पाती है, कथा वगैरह पढ़ो तो टाइम लगता ही है। तो मैं इनके लिए वो कर रही हूँ, पराठे पैक, क्योंकि अभी खाने के लिए भी मना कर रहे हैं कि जल्दी मैं हूँ, निकलना है, तुम पैक कर देना। तो मैं इनके लिए पैक कर रही हूँ। और तो थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो कुछ समझ में नहीं आया कि अगर संडे तक घर पे रहते तो ये कुछ भी बना लेती, फिर थोड़ा सा ये था आराम से बनाती रहूँगी, फिर जाने का हो गया अचानक से, तो थोड़ा पनीर रखा हुआ था। अगर ठीक है, पराठे बना देती हूँ, अपना कुछ खा पी लेना थोड़ा सा ऐसे ही। और तो इनके पराठे भी पैक कर दिए मैंने, और अब कर लेती हूँ मैं थोड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी, पूजा करने की। तो इधर मैंने ना एक केले निकाल लिए हैं, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब फल भी ताज़ी नहीं मिले हैं, और कुछ ऐसे ही रखे हुए से पुराने केले मिले हैं पूजा के लिए भी। और बारिश इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बाहर निकलना तो मुश्किल ही हो गया है। फिर भी मैंने इनको भेज दिया था फ्रूट्स लेने के लिए, पूजा के लिए, कैसे भी ले आओ आसपास जैसे भी मिल जाए। तो यहाँ मैंने एक कशार तैयार कर लिया है, और तो मैं मंदिर के लिए रख रही हूँ थोड़ा थोड़ा प्रसाद भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो ये मैंने इधर चरणामृत और केला और ये सभी चीज़ें रख ली है, और अपनी भोग की प्लेट में रख लेती हूँ क्योंकि तोड़ती नहीं है संडे के दिन। तो मैंने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं, फ्रिज में रखे हुए थे, वहीं से लेकर आ गई हूँ, और ताजी तो नहीं ले पाई पूजा के लिए, पर कोई नहीं, तुलसी का भोग भी बहुत ज़रूरी होता है साथ में, तभी भोग, ये बोलते हैं कि तभी भोग पूरा माना जाता है। तो कसार में तुलसा है, तो मैंने यहाँ तुलसा जी को भी, तुलसा जी की पत्ती को भी रख दिया। और ये है चरणामृत, और ये कसार, ये केला, और ये मैं प्रसाद के लिए कट कर लिए हैं, और ये ग्लास में पानी भगवान जी का। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो मैं सबसे पहले मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, और मैं मिलती हूँ आपको पूजा पाठ करने के बाद में, तो क्योंकि मुझे कथा वगैरह पढ़नी है तो टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है, और बारिश इतनी तेज़ थी ना तो मैं मार्केट नहीं जा पाई, और पहले से मुझे याद नहीं था कि मैं भगवान जी की, मेरे पास सत्यनारायण भगवान की मेरे पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन मुझे बुक में फिर भी उनकी पूजा करते समय फ़ोटो मिल गई, तो मैंने पूजा कर ली। मतलब ये तो हुआ कि चलो फ़ोटो मिल गई, और तो पूजा वगैरह कर ली है, अब मैं आ गई हूँ, और पूजा करके और कर लेती हूँ, बालों को सुखा लेती हूँ। मौसम भी इतना गंदा हो रहा है कि मतलब बिल्कुल धूप, 2-3 दिन से धूप ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इधर मैं कर लेती हूँ अपने बाल कॉम्ब। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, और आपको दिखाती हूँ इधर का मौसम। ये देखो कितना सामने पानी पानी भरा हुआ है, और ये सामने पार्क है ना, पूरा पानी में भरा हुआ है इस टाइम, और अभी भी झरना आ रहा है, बारिश हो रही है बराबर, बंद तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। ये देखिए कितना पानी पानी दिख रहा है, तो बाहर तो मतलब इतना गीला गीला हो रहा है ना कि बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, मन कर रहा। और ये देखो कितनी बारिश हो रही है, मतलब 2-3 दिन से बराबर पानी पड़ रहा है। और यहाँ नित्या खा रही है मखाने, तो ये ना मैंने इसको, मखाने थोड़ा बड़े बड़े होते हैं तो मैंने कहा थोड़ा कहीं अटक जाए तो पता नहीं चलता बच्चे के गले में, तो मैंने इसको तोड़ तोड़ के रख दिया कटोरी में, तो ये आराम से खा लेती है इनको, और इनका फिर डर भी नहीं रहता बच्चे के फंसने का। और ये इधर अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो ये अपना खेल रही है, ये अपना काम कर रहे हैं, आ गए हैं ये। और क्योंकि अब बज रहे हैं शाम के 4, तो नित्या भी सो के उठ गई है, अपना खा पी रही है, खेल रही है, ये अपने काम से लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम की पूजा का टाइम, तो मैं पूजा करने आ गई हूँ, और आरती वगैरह कर लेती हूँ, अपना पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना पीना बनाना है।
तो कुछ तैयारी तो कर रही थी मैं, सब्जी वगैरह बना ली है मैंने, खीर और आटा वगैरह मलना है बस। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम देखती हूँ जा कर के किचन में, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है और ये नित्या मेरे पीछे पीछे, इनको बस मम्मा के पीछे पीछे ही घूमना होता है। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है शाम को खाने में। तो यहाँ मैंने ये बनाई है मिक्स वेज, और ये इधर खीर बनकर रेडी हो गई है, और खीर सब्जी और ये आटा भी मलकर रेडी कर लिया है। तो बस अब बनाने वाली हूँ मैं गरम गरम पूड़ियाँ। तो अभी खाएंगे तो नहीं, अरग देते हैं जब उसके बाद में व्रत खोलते हैं। तो पहले मैं गौ माता की पूड़ी सेक के उनको दे के आती हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, पता नहीं गाय बाहर मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ पहले पूजा की पूड़ियाँ गौ माता की निकाल के, और पहले उनको प्रसाद और ये पूड़ियाँ देकर आती हूँ, क्योंकि ऐसे मौसम में गाय मिलेगी भी या नहीं ये भी नहीं पता, पर बाहर जाके एक बार देख लूँगी, कभी कभी बैठी होती है बाहर। तो यहाँ फ्रेंड्स पूड़ियाँ भी बन गई हैं और प्रसाद मैंने निकाल दिया है। तो ये खीर है, कटोरी में मंदिर में रख दूँगी भगवान जी के लिए, और गाय गौ माता के लिए मैंने पूड़ियों के ऊपर ही रख ली है। तो यहाँ मैंने पूजा भी कर ली है, पूजा तो मैं पहले ही कर गई थी। और तो यहाँ मैंने भोग रख दिया है गौ माता का, अब मैं बाहर जाकर देख के आती हूँ, अगर गाय मिल जाती है तो दे देती हूँ। तो मैं इधर ही बाहर आ गई हूँ और बारिश हो रही है, हल्का हल्का झड़ना पड़ रहा है अभी भी। नित्या लो आपकी पूड़ी बन गई छोटी सी, ये है नित्या की पूड़ी, लो आप खाओ इस पूड़ी के। और फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ अपना और इनके लिए पूड़ी सेक लेती हूँ, क्योंकि चंद्रमा तो दिखेगा ही नहीं, मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, इसलिए तो मम्मी ने मुझे बोल दिया है कि 7:30 के करीब तुम अर्घ लगा देना, 7 बजे चंद्रमा निकल आता है, पर 7:30 पर लगा देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूड़ी भी सेक के रख लेती हूँ, और फिर क्योंकि बस 10-20 मिनट का ही टाइम है, सब 7 तो हो ही रहे हैं, तो उनका जब तक मैं पूड़ी वगैरह सेक के रख लेती हूँ, जब तक तो पूड़ी सेकेंगी तब तक तो चंद्रमा का निकलने का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं रख दे दूँगी। और यहाँ पूड़ी वगैरह बन गई हैं, और थोड़े से 2-3 बर्तन हैं इनका, साथ के साथ इनको भी वॉश करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का छोटा सा एक ब्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।